लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। छोड़िए, अब तो बताते। हम सच कह रहे हैं अम्मा जी, हमारा हाथ छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? तो आ गया तोरी लुगाई, भोली को कहीं छुपा दी है का? हम नहीं कहे कुछ, हमको खुद ही उसे ढूंढ रहे हैं कब से। हम नहीं जानते, हमारा हाथ छोड़िए अम्मा जी। अम्मा ये काहे छुपाएगी भोली को? अब हमारा मतलब है अम्मा, इको भोली को छुपा के काम मिलेगा। भोली यही कहीं होगी, मिल जाएगी, हम ढूंढ के लाएंगे ना। खिलौना नहीं है भोली, कभी खो जाए कभी मिल जाए, कभी खो जाए कभी मिल जाए। उका बुरी नजर लग चुकी है और बुरी नजर का उतारा हमका अच्छे से आवत है। ये बात तू भी जानत है भुवन, अपनी लुगाई का समझा दे अच्छे से। इंजाम हम पर लगा है, भोली को ढूंढकर हम ही लाएंगे। पांच, सिर्फ 5 मिनट है तोहरे पास। मैं मिल गई भोली तो ठीक, ना ही तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है तू। आप चिंता मत कीजिए, भोली को हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आज भोली, 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 भोली। कहाँ हुआ रानी, रुक कहाँ गई? भोली को पूरा हवेली में ढूंढ चुके हैं हम, हर जगह। समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे। और चिंता मत कर, साथ में ढूंढने की मिल जाएगी। चल सिर्फ 1 मिनट बाकी है। बड़ी सुई का चक्कर लगाए के पहले अगर रानी भोली को लेकर आ गई तो ठीक, नहीं तो बिना पंचायत के ही बारू का निपटारा कर देंगे हम। खत्म हो गया रानी का 5 मिनट। जा रे भीमा, रानी को लेके आ। और सुन, घसीट के लेके आना। भोली, भोली? कहा हुआ मेरी बच्ची को? कहा हुआ भोली को? हाय रे हाय, ये रही भोली। भोली, कहा हुआ मेरी बच्ची को? भोली बेटा, आँख खोल। भोली, का हुआ तो करे? भोली उठ जा। अम्मा वो भोली अलमारी में बंद हो गई थी। हमने कमरा पहले ढूंढ चुके हैं, वो नहीं है यहाँ पर, कहाँ चली गई है? रुक जाओ। भोली, 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 ये हाथ मत लगा भोली का। इसके अलमारी में खुद बंद करके नाटक नहीं कर तू। क्या कह रही हैं आप? ये सब झूठ है। जब सच और झूठ का फैसला हम करते हैं, हम। भोली, पर अम्मा रानी काहे भोली को छुपाएगी? तो का तो सबूत चाहिए, ना ही तो तू भरोसा ना ही करेगा, है ना? रुक। भोली, भोली उठ बेटा, पसीने में नहा रही है बच्ची। अरे हटो रे, दूर हटो, हवा आने दो, हटो। ए भोली, भोली बेटा, अरे जा रे पानी लेके आई के लिए। ये माँ, भोली, भोली,
अरे हमरी भोली उठ जा रे, उठ जा रे। भोली उठ। हाँ उठ जा, उठ उठ उठ। हाँ अरे ले थोड़ा पानी पी तू। तो बता क्या हुआ था रे भोली? भोली बता, हम है ना तुम्हारे साथ, तू बस नाम ले। रानी, इन्होंने हमारे साथ लुका छुपी खेलते वक्त अलमारी में बंद कर दिया। ये झूठ बोल रही है, हम ऐसे काहे करेंगे, ये सब झूठ है। बच्चन में भगवान का वास होत है, वो झूठ ना ही बोलत, दूध नहीं पीने के बहाने समझ में आते हैं। बंद अलमारी के अंदर एक एक सांस से लड़े वाली बच्ची झूठ बोलेगी का? देगी की आखिर में भगवान ये झूठ बोलत है का? वो छोटी बच्ची है, वो झूठ बोल सकती है। उसको किसी ने कहा होगा हमारा नाम लेने के लिए। रानी यहाँ सब अपने कौनो दुश्मन नहीं जो भोली को तेरे खिलाफ भड़काएंगे। हम किसी के दुश्मन है का? हम काहे करेंगे उसके साथ ऐसा, काहे बंद करेंगे उसको अलमारी में? अरे वो छोटी बच्ची झूठ काहे बोलेगी? वो तो तू ही बताएगी ना रानी कि तू काहे छुपाएगी। देख बच्चों के मन साफ होते हैं, अगर इन्हें तेरा नाम लिया है तो कोनो बात जरूर होगी जो तू बताएगी। तोहरा भांडा फूट चुका है, या यूं कहो पाप का घड़ा भर चुका है। औरत की शक्ल में डायन निकली तू तो, बच्चन का खा जाए वाली डायन। हमें तो पहले ही शक हो गया था इस पर जब हमने इसे अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। कुछ पूछा तो जवाब ही नहीं दिया। करना ही था तो एक घर छोड़ के करती, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। लक्ष्मी समझ के लाए थे हम तो, तू तो कुलक्षणी निकली, कुल कुनबा खत्म कर देने वाली कुलक्षणी। सत्ता बनाए रखे खातिर हमारा एक ही मंत्र है, दुश्मन को अल्प मत कर दो, तुम खुद ही बहुमत हो जाओगे। उकल के आई छोकरी, जादू चला चला के हमरे बिटवा को अपने बस में करत रही है, हमरे खिलाफ करत रही है। तो हमका भी तो कुछ करे का था ना, जरूरी था उन दोनों के बीच में दरार डालना। अभी दरार दूरी पैदा करेगी। लेकिन अम्मा जी एक बात हमें समझ में नहीं आई, भोली ने रानी का नाम काहे लिया? का सच में रानी भोली को अलमारी में बंद कर दी? नहीं रे, वो तो सच ही बोल रही थी,
कोई खेल ना ही खेली हो, वो तो हम ही थे जो लुक्का छुपी के खेल को शतरंज के खेल में बदल दिए। कहा हुआ था वो, हम लुक्का छुपी खेल रहे थे और जाके अलमारी में छुप गए। रानी दरवाजा बाहर से बंद कर दी ना अलमारी का। हम देखे थे ना, रानी दरवाजा बंद की थी, वो तो का मारना चाहते रे बोली। बा अम्मा जी, आपने तो एक छोटे से प्यादे से बजीर का चाल चल दिया। करे का पड़त है वो रानी, अपनी सुंदरता दिखात रही तो हम कूटनीति दिखा दिए। वो क्या कहते हैं, फूट डालो शासन करो। अम्मा जी भवन भैया आ रहे हैं। फूट ना ही पड़ा देंगे हम अपने परिवार में, सच्चाई की तह तक जाएंगे हम, और जो होगा दोषी उसका सजा हम देंगे ही देंगे। का भुवन सही कहा था ना हम? का हुआ तो का सोचत है? कुछ नहीं अम्मा, भंवर में फंसे, दिल और दिमाग है ना वो जंग कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जो देखे हैं वो सच है या जो बोले हैं वो सच है। ऐसा क्या हुआ? अमा वो दिन वो पंचायत में हमने रानी का साथ दिया, कैसे कि हमका लगा कि वो सच बोल रही है, और आज हम वो के खिलाफ बोले हैं अम्मा। कैसे कि हमें दिख रहा है कि वो गलत है, पर एक बात समझ नहीं आ रही हमको। का जो रानी है एक बच्ची की जान काहे खतरे में डालेगी, ऐसा काम मिलेगा उसको ऐसा करके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वो गलत है, सही नहीं है? कब हम ऐसा हुआ है कि जो दिखत है वो सच ना ही होता है? होता है माँ, ये धरती गोल घूमत है ना, हम सबका पता ही सच है, पर हम में से कोई भी धरती को घूमते नहीं देखा है कि जो सच है वो हमको दिख ही नहीं रहा है। वो ऐसा काहे करेगी? अरे उसके खून में है ही, पहले उसका बाप लेके भागा था भोली का, अब रानी पीछे पड़ गई उसके जान के। का ऐड जी लेके गए थे वो भोली को? हम उसका पकड़े थे रंगे हाथों। और अम्मा ये बात आपने हमका पहले काहे नहीं बताई, आज काहे बता रही हैं? हर बात को बताए का एक सही मौका होता है, क्योंकि सही वक्त पे बताओ तो सवाल बनता है, और अगर सही वक्त से पहले बताओ तो बवाल होता है। ये सही वक्त है ये खातिर बता दिए तू का, अब शायद तू का समझ में आ जाए कि रानी होली के जान के पीछे काहे पड़ी है। शायद हमका तो लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही हमरा दुश्मन बना पड़ा है, हमसे सीधा बवाल कर तो सकत ना ही है, ये खातिर घर के सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाए हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो एक दुश्मन को घर में आसरा दे दिए हम। तू चिंता ना कर, हम संभाल लेंगे सब, पूजा आ जाके आराम कर ले। जो बात इतने दिनों तक छुपाए रखी उसे आज काहे बोल दिया अम्मा जी? जो होत है अच्छे के लिए ही होत है। तू भुवन की आंखें देखा, पहले उमा रानी के लिए शंका थी, पर अब रानी के लिए नफरत। हम तो बीच में दरार बनाए रहे,
यहाँ तो पूरी की पूरी खाई बन गई और उमा ईरानी खुद ही जाके मर जाएगी। वो कैसे अम्मा जी? अगली पंचायत में रानी का 3 महीना पूरा हो जाएगा रभीमा। रानी माँ तो बन ना ही पाए तो वो जाएगी कोप कुटीर। ऐसन माँ वो देखेगी भुवन की तरफ और भुवन का दूसरा मौका ना ही देगा। साथ ऐसा काहे कि उसको तो हमारे साथ खेलना अच्छा लगता था। वो हमको पसंद करती थी, कितना खुश रहती थी। फिर वो झूठ काहे बोली? सैया सैया जी मोर पिया जी कैसे निभा तोरी। थोड़ा और पानी पी लो, झूठ निकलने में आसानी होगी। हम भोली को अलमारी में बंद नहीं किए। अच्छा, और काहे मान ले ये बात? क्योंकि तू कह रही है इलिए। ऐसे तो हमें वो सब बातें मान लेनी चाहिए ना। कई कमरे में साफ है, हम रानी को नहीं छोड़ेंगे, खुफिया कमरे में कौनो राज है, सब बातें मान लेनी चाहिए। काहे? ऐसे कि रानी साहिबा कह रही है इलिए। ठीक है, हमारी बात मत सुनो, लेकिन जो बच्ची कह रही वो तो सुन लो। सुने हम बच्ची की बात? वो बच्ची ने साफ कहा है कि तू झूठ कह रही है। अरे उस समय वो भोली डरी भी होगी, सहमी भी होगी। उसको थोड़ा ठीक होने दो, फिर सवाल करना, फिर पूछ लेना उससे। देख रानी, हमका ना किसी से कुछ नहीं पूछना। काहे कि इंसान की जो असलियत है ना, वो हम अच्छे से देख चुके। कुछ नहीं देखा है तुमने, नजर के साथ साथ अक्कल के भी अंधे हो तुम। अरे हम पे इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोचा नहीं कि हमको ये सब करने से काम मिलेगा? वो तो तू बताएगी ना काम मिलेगा। पहले तेरे बाबाओं के पीछे पड़े थे और अब तू? अब क्या हुआ, साफ सुन गया का? बता, बोलती काहे बंद है? तेरे बाबा ही भगा के लेके गए थे ना भोली को? हाँ, हमारे बाबा लेकर भागे थे भोली को, लेकिन काहे भागे थे नहीं जानते हैं। तो जानती होती ना तो भी ना बताती, पर आज आज तुझे बताना पड़ेगा। बता, सच का है, बता हमें, काहे पड़ी है भोली के पीछे? का दुश्मनी है भोली से और हमारे परिवार से? बता। हमको कुछ नहीं पता, हम बोले ना हम नहीं जानते हैं कुछ। कि हमारे बाबा भोली को काहे उठाकर लेके भाग गए और हम भोली के साथ कुछ गलत नहीं किए, नहीं छुपाए उसे अलमारी में हम, वो झूठ बोल रही है। भोली बच्ची है, वो के पास झूठ बोलने की कोनो वजह नहीं है, और तेरे पास, तेरे पास तो बहुत है, और झूठ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है? चली जाए यहां से, छोड़कर जा हमें यहां से। फिर जबरन लेके आए थे ना तुझे हरा सिंदूर लगा के घर में, और तू जबरन रह रही है ना हम सबके साथ ही घर में, तो जा, मुक्त करते हैं तुझे ये बंधन से। जी हाथ से ही तेरे सर पे हरा सिंदूर लगाए थे ना, वही हाथ से ही। अपने इरादों को इतना हौसला मत दो कि शर्मिंदा होना पड़े। मजबूरी में लगाया था तुमने, शान से सजाया है हमने, हरे सिंदूर की शान में कोनो गुस्ताखी नहीं।
और रही बात हमरे जाने की, तो हम जाएंगे, लेकिन गिले सिखवे साथ लेकर नहीं, मिटाकर जाएंगे।